आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रामनगर कर्पूरी आश्रम में जदयू कार्यकर्ताओं के बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष संजय मिश्रा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रेम चौधरी भी उसमें शामिल रहे। अतिथियों के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर गरीबों के बीच मास्क का वितरण किया गया। वहीं चुनाव समर के आगाज के साथ संगठन विस्तार व संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्ण रूप से किया गया। जदयू के वरीय नेता प्रेम चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कोरोना महामारी को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के आलोक में गरीबों की सहायता व मास्क, साबुन, सैनिटाइजर इत्यादि का वितरण किया जा रहा है। साथ ही लोगों के मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जी, आज का ये बैठक जो रखा गया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, आज 3-4 महीनों से कोरोना का जो महामारी चल रहा है बिहार में, जी, संगठन और हमारे साथियों के बीच संबंध एक तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से दूरभाष से हम लोग के संपर्क में थे ही, लेकिन फिजिकली हम लोगों का संबंध नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज हम लोग सारे प्रखंडों में घूम घूम करके जनता दल यू के साथियों से मिल रहे हैं, उनका कुशल क्षेम जान रहे हैं। इसके अलावा जो संभावित चुनाव हमारे यहाँ है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव है, तो इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्टी की क्या क्या तैयारी है, किन किन मुद्दों पर हमको कार्यकर्ताओं को लैस करना है, किन विचारों से लैस करना है, उसकी जानकारी हम लोग सारे प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर के साथियों को देने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो बिहार के मुखिया हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो 15 वर्ष के शासनकाल में जो जनहितकारी योजनाएँ उनकी जो लागू हुई है बिहार में, उसकी जानकारी भी हम लोग दे रहे हैं। और जो विगत 15 वर्षों में जो आतंक का राज था, पति पत्नी का जो शासन था, उसमें जो आतंक का राज और विकास की अवहेलना की गई, उसकी भी जानकारी हम लोग साथियों को दे रहे हैं, ताकि जनता के बीच में खासकर नई पीढ़ी को ये बताने की जरूरत है कि 15 वर्षों के पति पत्नी के शासनकाल में बिहार को किस तरह आतंकित किया गया, बिहार को किस तरह लूटा गया और बिहार को किस तरह विनाश के रास्ते पर ढकेला गया। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नए नौजवान है, उनको ये बताना जरूरी है, ताकि अच्छे और बुरे की पहचान आने वाले चुनाव में कर सके। आज जननायक कर्पूरी मंच आश्रम जो रामनगर में है, उस प्रांगण में हम लोग जदयू के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने छोटा सा बैठक किया और कोरोना काल में जो हमने इस 4 महीने के अंदर पूरे विश्व जो जिस बीमारी से जूझ रहा है, तो हम लोग उस बीमारी से पूरा बिहार भी उससे अछूता नहीं रहा, तो हमारे भी जो संबंध था वो स्थापित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया और दूरभाष के माध्यम से हम लोग अपना ले रहे थे। लेकिन चूंकि चुनावी वर्ष है, तो हम लोग उसी विषय में आज हम लोग मिले और जो हमारे माननीय नेता के जो विकास के जो काम हुए हैं 15 साल में, उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार की गई है, ताकि हम जनमानस तक इसको पहुँचा सके, ताकि आने वाला जो बिहार हो, एक उभरता हुआ बिहार हो, एक कुशल बिहार हो, जिसमें नौजवानों के लिए भी अपने घर में ही रोजी रोटी का संसाधन जुटे और काम करने की क्षमता बढ़े। और जिस तरह से बिहार पिछले साल 11.3 GDP से पूरे भारत में अव्वल था, उस कारवा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो बहुत सारी स्कीम और बहुत सारी पॉलिसी जो हमारे नेता ने जो इस राज्य के लिए किया, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया, ताकि वो खबर और वो सारी सूचनाएं जनमानस तक पहुंचाए, ताकि हम अपना चुनावी प्रक्रिया को आगे पूरा करें। तो दोस्तों, प्रकाश वाणी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर ये खबर आपके मतलब की है, तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।